हेलो एवरीवन, दिस इज शर्मिला एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मिलास किचन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बिना प्याज लहसुन के दम आलू घर में बनाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, बिना प्याज लहसुन के भी दम आलू बहुत ही टेस्टी बन सकते हैं अगर आप ये रेसिपी अच्छे से फॉलो करें। ये वीडियो में आलू बॉईल करने से शुरू करके लास्ट तक पूरे प्रोसेस अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारे पास छोटे आलू है, इसका साइज अंडे के जैसे है। छोटे आलू को अच्छे से वॉश करके एक फोर्क की मदद से इस तरह छेद करते रहना है। छेद करने से ये आलू अच्छे से बॉईल होगा और इसके अंदर में नमक और मसाले एप्रोप्रिएटली जा सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में एक कप पानी डाले और इसमें सारे आलू को ऐड करें। ऐसे पूरे आलू को उबालने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी ऊपर तो नरम हो जाता है लेकिन अंदर हार्ड रहता है, इसीलिए क्या करें, जरूर इसमें नमक ऐड करें और साथ में चुटकी भर बेकिंग सोडा भी ऐड करें। ये दो आलू को नरम करने में हेल्प करेगा। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और 3 से 4 सीटी लगाएंगे दोस्तों। लेकिन आप ना पहले 2 सीटी लगा के एक बार चेक करके देखें ये बॉईल हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो और 2-4 सीटी लगा लें। अब एक बोल में 2 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून पोसर ले ली है, उसमें पानी डालकर 20 मिनट तक भिगाए और इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर साइड में रेडी करें। उबले हुए आलू ठंडा हो गया है और अभी इसका छिलका निकालेंगे। कभी भी आप दम आलू बनाने जाओ तो हमेशा छिलके के साथ ही उबाले, उसके बाद आप छिलका निकाल दे तो आलू का भरता बनने का डर नहीं रहेगा। अब गरम तेल में आलूओं को शैलो फ्राई करेंगे, साथ में नमक और हल्दी का पाउडर डालकर एक बार मिला ले। दोनों साइड सुनहरा होने तक फ्राई करें, उसके बाद एक प्लेट में निकाल ले। सेम पैन में और थोड़ा तेल गरम करें और कुछ साबुत गरम मसाला जैसे इलायची, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ते डालें और साथ में चुटकी भर हींग डालकर एक बार सौटे कर लेंगे। अब डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर अच्छे कलर और स्वाद के लिए, जीरा पाउडर, थोड़ी सी पानी डाल के 2 मिनट तक भूने। ये मसाले का कलर चेंज होकर डार्क रेड हो जाएगा, तब उसमें डालें अदरक का पेस्ट। अब दही में थोड़ा केचप डालकर मिला ले और ये मिक्सचर डाल दीजिए मसालों में, थोड़ी देर के लिए पकाए। अब डालें नमक और काजू पोसत का पेस्ट जो मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूने। अब वारी है मटर का, तो अभी डाल दे रही हूँ ग्रीन पीस यानी मटर, उसके बाद फ्राइड आलू भी डाल दे। एक बार मिक्स करे और थोड़ा गर्म पानी ऐड करे। 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकाएं और उसके बाद एक बार चेक करें कि आलू अंदर से पके हुए कि नहीं। ये जो फोर्क है आलू के बीच में चले जा रहे हैं तो ये बराबर पक के रेडी हो गई है। अब गरम मसाला, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी घी डालें फ्लेवर आने के लिए। ये स्टेप दम आलू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब जरूर डालें, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी। थोड़ी देर के लिए फ्लेवर इन्फ्यूज करने दे। फाइनल टच के लिए चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करें। बस दम आलू है तैयार। अब इसको सर्व करें फ्राइड राइस के साथ। ये राइस की रेसिपी मेरे चैनल में दी हुई है, जरूर देखिए, ट्राई करें। और ये 2 डिश का कॉम्बिनेशन एकदम कमाल का है। मेरे चैनल में कश्मीर दम आलू का भी रेसिपी है, तो आप जरूर वो रेसिपी भी एक बार ट्राई करें। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।